हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए हम आपके लिए अगला वीडियो लेके आए हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर, है ना। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था क्या, बताइए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होलो स्फीयर देखे थे। ओके बच्चों, देखिए अपने पास जो है सॉलिड स्फीयर है, इसका जो है मास कितना है बच्चों, एम है, और रेडियस कितना है बोलो, आर है। तो इसकी ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट अपने को एम वाई ढूंढना है। उसके लिए हमारे पास दो प्रोसेस है, दो तरीके हैं, बिकॉज आप जानते हैं ये डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम है, तो हमें कुछ एलिमेंटल मास मानना पड़ेगा, है ना। तो इसके लिए हम चाहे तो थीटा एंगल पर जाकर के डी थीटा एंगुलर थिकनेस का, या फिर लीनियर थिकनेस आर डी थीटा का डिस्क मान लेंगे, फिर उसका जो है एम वाई लिख करके उसको इंटीग्रेट करके सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन अपने पास इसको क्या मान ले, एक जो है हम लोग स्मॉल आर रेडियस का, इसका थिकनेस डी आर हो, एक होलो स्क्वायर मान ले, बिकॉज उसका भी आंसर हमें पता है। तो हम लोग जो है अभी फिलहाल के लिए इसको, है ना, क्या करते हैं बेसिकली इसको लेकर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो बेसिकली बच्चों अपने पास क्या है बोलो, एलिमेंटल क्या है मास इन द फॉर्मेट ऑफ, इन द फॉर्मेट ऑफ होलो स्फीयर, इसका रेडियस आर है, थिकनेस कितना है डी आर है। बच्चों आप बता पाएंगे इसका जो है जो थिकनेस जो है डी आर है, इसका जो है एलिमेंटल मास कितना होगा, डीएम वुड बी इक्वल टू, बता पाएंगे, बताएंगे क्या होगा, रो इंटू इसका वॉल्यूम हो जाएगा ना। एलिमेंटल जो है मास फॉर्मेट में जो है वो क्या है, होलो स्फीयर है, उसका वॉल्यूम डीवी हो जाएगा, और डेंसिटी कितना है स्फीयर का, रो है। इस तरह से हम लोग डीएम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो बेसिकली जो आपके पास डीएम कितना है बताइए, बेसिकली रो कितना है, रो इज मास बाय वॉल्यूम, तो इट इज एम डिवाइड बाय 4/3 पाई आर क्यूब, एंड डीएम इज इक्वल टू क्या होगा बोलो, अभी बताया आपको, रो इंटू डीवी, तो ये आपका क्या होगा बोलो, रो है कितना है एम बाई 4/3 पाई आर क्यूब, एंड इंटू वॉल्यूम ऑफ द बोलो होलो स्फीयर, इसका थिकनेस डीआर है, तो क्या होगा उसका सरफेस एरिया इंटू उसका थिकनेस, दैट इज 4/r² इंटू डीआर। सो सिंपलीफाई करेंगे बच्चों तो अपने पास क्या मिलेगा बताइए जल्दी से, डीएम इज इक्वल टू क्या होगा, 3m बाई आर क्यूब इंटू आर स्क्वायर डी आर हो जाएगा। ओके बच्चों, और अपने को पता है एक जो है होलो स्फीयर का, है ना, क्या एक होलो स्फीयर का एम वाई कितना होता है, 2/3, है ना, कितना होता है 2/3 एम आर स्क्वायर। ओके बच्चों, तो बेसिकली जो है डी आई इज इक्वल टू क्या हो गया, 2/3 एम आर स्क्वायर, एम कितना है अपना डीएम है, इंटू आर स्क्वायर, आर इज द रेडियस ऑफ द बोलो, एज्यूम्ड बोलो क्या, एलिमेंटल होलो स्फीयर, मतलब बेसिकली समझ में आया बात। तो बच्चों अपने जो है डीएम का वैल्यू एप्रूव कर लेंगे, है ना, और फिर जो है चीजें जो कॉन्स्टेंट से अलग कर लिया, वी आर हैविंग नाउ इंटीग्रेशन ऑफ आर का पावर 4 डीआर फ्रॉम 0 टू आर, सो इफ यू सिंपलीफाइड यू विल बी गेटिंग, बताइए जल्दी से कितना होगा, आई इक्वल टू 2/5 एम आर स्क्वायर। ओके बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है आप सभी बच्चों को जो है चीजें समझ में आ गई होंगी। ओके, थैंक यू।